यहाँ पे BTR रन कर एंड ये सोलो वेस्ट ने XQF के कूल बॉय को नॉक किया एंड यहाँ पे XQF के लिए परेशानी शुरू। एक चीज यहाँ पे नोट करनी पड़ेगी बिकॉज ओवेस यहाँ पे उस डिप पे आ चुके हैं जहाँ पे XQF के चारों प्लेयर जिंदा थे। कूल बॉय को नॉक डाउन करा, कूल बॉय वहाँ पे है सामने जिमी के पास रेव लेने जा रहे हैं, बट पैरा बॉय यहाँ पे उनके सामने है ओवेस के। मॉर्टल एंड वाइपर थोड़ा सा लेफ्ट संभाल रहे अपना जहाँ पे BRK के प्लेयर है। ओवेस अगर यहाँ पे पैरा बॉय को निकालता तो XQF की वहाँ पे कवर टूट जाएगी, बट यहाँ पे मॉर्टल नॉक डाउन होता हुआ XQF ने XQF के कैट को यहाँ पे ओवेस ने नॉक डाउन करा। व्हाइट कैट ने यहाँ पे मॉर्टल को फिनिश करा, बट मीन वाइल यहाँ पे कैट भी फिनिश करता हुआ। यहाँ पे ओवेस का थोड़ा सा ETS फायर यहाँ पे कदर नहीं करते, थोड़े से एक्यूरेट बुलेट्स जाती, बट वाइपर भी यहाँ पे प्रोन होके जोन के अंदर जा रहा है, बट व्हाइट कैट को पता है वहाँ पे वाइपर है, बट वो एग्जैक्ट स्पॉट नहीं कर पाया है। अब देखते हैं यहाँ पे व्हाइट कैट क्या करेगा बिकॉज दो प्लेयर यहाँ पे TES के बजे XQF कूल बॉय ने यहाँ पे सोल ओवेस को नॉक डाउन करा एंड फिनिश भी हो जाएगा। यहाँ पे टीम सोल का एग्जिट होते हुए साथ पोजीशन में वाइपर को फायर बॉय ने फिनिश ऑफ किया एंड टीम सोल का सफर यहीं खत्म होते हुए अब बात रहती है XQF और TES में। दोनों टीम लड़ रहे हैं ट्रॉफी के लिए, इनको यहाँ पे काफी केयरफुल लेना आ रहा है क्योंकि अनिल ने TQ के आयला को